नमस्कार दोस्तों, आज है मंडे और मंडे को लोग बड़े तनाव में आ जाते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते का काम सामने दिखाई देता है। अरे लेकिन बिल्कुल घबराइए मत, आज हम आपको एक बड़ी समस्या का अच्छा सा समाधान बताने जा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स ने आपने हमें ये फीडबैक में बताया कि सर हमें टीनेज रिबेलियस बिहेवियर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, इस पर कुछ बताइए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है। टीनेज अर्थात 13 से 19 की उम्र में, अर्थात यंग बच्चे एडोलेसेंट्स सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बागी हो रहे हैं। उनका व्यवहार दुष्टता भरा हो रहा है, वो बदतमीज होते जा रहे हैं। तो हम क्या करें, पेरेंट्स के रूप में, सीनियर्स के रूप में, टीचर्स और प्रोफेसर्स के रूप में? बहुत जायज सवाल है, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। अब मैं खुद टीचर हूँ 30 सालों से, तो मैं समझता हूँ इस बात को, और पेरेंट तो हूँ ही। प्यारे दोस्तों, हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे और आप भी थोड़ा खुले दिमाग से सुनिएगा। अगर आप एक सीनियर हैं तो आप जानते हैं कि थोड़ा खुले दिमाग से इन बातों को समझना बदलती दुनिया में बहुत आवश्यक होता है। हमारा पहला बिंदु, माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट और खास तौर पे सोशल मीडिया और अब आ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, इंस्टेंट एक्सेस टू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन, लगभग असीमित जानकारियों तक। मैं नॉलेज और विजडम शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, इंटरनेट पे जानकारियां होती हैं, लगभग असीमित जानकारियों तक त्वरित पहुंच। इससे क्या होता है, जो यूजर होता है खास तौर पर एकदम यंग माइंड, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है कि भाई ये टीचर क्या बताएगा मुझे, ये तो मैं इसी पे देख लूंगा। ऑटोमन एम्पायर क्या पढ़ा रहे हो, मैं तो यहीं पढ़ लूंगा। और ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। वो बच्चा अभी ये नहीं समझ रहा है कि जो उसको दिख रहा है अभी उसने सीखा नहीं है, वो सीखने की प्रोसेस तो वही है। टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि इट इज वंडरफुल। पहली बात तो उनसे टकराइए मत, उनके साथ साथ भइए, नहीं तो वो दीवार खड़ी कर देंगे, खेल खत्म। कि बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, एक्सेलेंट। आप ये सब सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलेंट। आप इंटरनेट पे जनरल सर्च से निकाल रहे हैं, एक्सेलेंट। लेकिन याद रखिएगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो कितनी सही है ये भी नहीं पता। तो लेट द टीचर डू द जॉब। इस तरह की एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन से आप टीचिंग का रेलेवेंस जिंदा रख सकते हैं, नहीं तो पता चला वही रेलेवेंट हो गया। स्कूल और कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम या परिवर्तन क्या आया, इंटरनेट ने सबको एनोनिमिटी दे दी। अब आप उस पर किसी भी नाम की प्रोफाइल बना के, अजीबोगरीब प्रोफाइल बना के कुछ भी लिख सकते हैं कहीं भी जाके, और कोई एक्शन तो होता नहीं किसी पे, बहुत रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में होता है। इससे टीनेज माइंड में बहुत फंडामेंटल चेंजेस ये आने लगे हैं कि एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर क्या होगा, उसकी लिमिट बहुत आगे बढ़ गई। अपने बच्चों को ये बार बार समझाइए कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, और अगर तुम्हारा वर्चुअल वर्ल्ड रियल पे हावी हुआ, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें सीधे वार्निंग दीजिए बिना डराए। तीसरी बात, हार्मफुल कंटेंट की इतनी भरमार है, इतना वायलेंट कंटेंट इंटरनेट पे उपलब्ध है बच्चों को, और कहां कोई स्क्रीनिंग अब हो पा रही है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है 4G वाला, क्या स्क्रीनिंग करेगा कोई पेरेंट, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में सिवाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके उन्हें समझाने के दूसरा कोई रास्ता नहीं। खुल के बात कीजिए और उनका विश्वास जीत के उन्हें समझाइए। चौथी बड़ी चीज इंटरनेट और रिबेलियन और टीनेज से संबंधित, पीयर प्रेशर और कन्फर्मिटी के चक्कर में बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं। आप उन्हें यह बताइए कि वो जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, वो जैसे हैं उन्हें सारी जिंदगी आप प्यार देंगे। आप उन पर अगर बहुत ज्यादा दबाव परफॉर्मेंस के लिए अदरवाइज डाल रहे हैं, तो वो प्रेशर कहीं और कन्फर्मिटी के चक्कर में गलत जगह निकल सकता है। इसलिए प्रेशर डालने की सीमा तय कर दीजिए खुद के। और पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेट कितना भी भ्रमित करे कि हम हजारों लोगों के टच में हैं, दरअसल वो तो डिजिटल बिट्स एंड बाइट्स हैं जो आपस में टच में हैं। इंसान का दिमाग तो इंसान के साथ ही टच में आता है, अर्थात इंटरनेट और सोशल मीडिया आइसोलेशन को बढ़ा रहे हैं। कितना विरोधाभासी लगता है लेकिन यह सत्य है। अपने बच्चों को, टीनेजर्स को यह समझाइए कि रियल वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिश्ते रखना, सोशलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पर्सनैलिटी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये एक बात समझ में आ गई होगी आज के करियर फंडा में,
ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद फुल कॉन्फिडेंस इज द वे फॉरवर्ड। आज का आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे मेरे इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, करके दिखाएंगे।